मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश की छवि बदलकर मदिरा प्रदेश की कर दी है। यहाँ राशन महंगा है और शराब सस्ती है। सरकार को विकास यात्रा की जगह हिसाब यात्रा निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार आई तो शिवराज सरकार के खर्चों का श्वेत पत्र लाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार सस्ती शराब बिकवा रही है, यही मोदी सरकार के अच्छे दिन हैं। प्रदेश सरकार की विकास यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि कई जगह पर इसका विरोध हो रहा है। पुलिस प्रशासन और पैसे से ये सरकारी यात्रा निकाली जा रही है। 160 जगहों पर इसका विरोध हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 18 साल का हिसाब नहीं दे पा रही और मुझसे 15 महीने का हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश की छवि बदलकर मदिरा प्रदेश की कर दी है। यहाँ राशन महंगा और शराब सस्ती है। पूछता था आप कहाँ से कहते थे, हम एमपी से हैं। एमपी का सब मतलब समझते थे मध्य प्रदेश। अब जब हम कहते हैं एमपी से हैं तो कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश है। तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। ये इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश का। शिवराज सरकार ने जो सस्ती शराब बेचने का फैसला किया था, ये मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, तो शिवराज जी ने सोचा कि अच्छे दिन हम मैं लाता हूँ सस्ती शराब, घर घर में शराब, और इससे अच्छे दिन आ जाएंगे। ये इनका लक्ष्य था। महंगा राशन और सस्ती शराब, वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।